हेलो स्टूडेंट, वेलकम्स टू बीरेंस एकेडमी। देखिए वीडियो में डिस्कशन कौन करवा ना तुम एलटीआर प्रिलिमिनरी एसएसबी एसएसजी टीजीटी रो कौन ना प्रिलिमिनरी एग्जाम जो आमर हम प्रिलिमिनरी एग्जाम रो कंप्यूटर अवेयरनेस रो जो तुम 20 मार्क आसूची कंप्यूटर अवेयरनेस रो तो सही विषय आम डिस्कशन करवा। तो तार कौन ना 20टा क्वेश्चन अच्छी कंप्यूटर प्रैक्टिस सेट 1 है। तो आमर ये एमती कंटिन्यू चलो। आज जो इजी टू आज इजी लेवल क्वेश्चन देन मडरेट डिफिकल्ट एमती लेवल आम सब कवर करवा। प्रिलिमिनरी एग्जाम इंपोर्टेंट हम जदि तुम कौन कि ऑनलाइन कोर्स जॉइन कराया चाहूँ एलटीआरपी या एसएसडी 9040759525 व्हाट्सएप कर मेन प्लस प्रिलिमिनरी चलती कोर्स। प्रिलिमिनरी कोर्स भी होती तुम 699 जो लाइव रिकॉर्डेड क्लास पीडीएफ चैप्टर वाइज टेस्ट प्रति चैप्टर वाइज टेस्ट देन 10टा मॉक टेस्ट बुझिपारे। इंटरेस्ट ले नंबर व्हाट्सएप करें। तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी तुम जे आराम से सिलेबस कवर करके पढ़ी पार है। तो चल डेरी न करके देखा कौन कौन क्वेश्चन आमर अच्छी। देख प्रथम क्वेश्चन जमी तुम देखिपुव इमती व्हिच पार्ट ऑफ द कंप्यूटर इज कन्सिडर्ड एज द ब्रेन। आम जानते ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर आमको पचार। तो बेसिकली आमर कौन कि जो सीपीयू थाए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को देखा पूरा जीरो लेवल लो आम जीवा कौन कि डिफिकल्ट लेवल क्वेश्चन। तो सीपीयू हूँ कौन सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को आम कौन कहती ना ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर कहती। कहीं ना ये कौन करता है ना जीक आम टैक्स थाए कंप्यूटर रे ताकू ये कौन करता है प्रोसेस करता है। प्रोसेस करने सहित सहित ये कौन करता है ना एग्जीक्यूट भी करें। तो से आम कौन कहूँ ना ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर बोली कहीदूँ सीपीयू बुझिपाल। आ ये कौन करें ना जेतिक भी तुम डाटा रोचे ताकू सबू कैरी करके नहीं था कुआडे ना कैरी करके नहीं था कंप्यूटर को ऑपरेट करने। आमर जो कंप्यूटर ऑपरेट होमती स्क्रीन ने तुमको भिजिबुल किसी होकू भी ये भी सीपीयू रो काम। सपोज मु किसी लिखुची ये भी सीपीयू रो काम ये सबू सीपीयू काम करें। तो राइट आंसर हो कौन सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट दैट इज सीपीयू। एबे नेक्स्ट क्वेश्चन देख कहला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस। आम जानते डिवाइस कथा कही ना आमर कौन कि क्वेश्चन आसे दी प्रकार डिवाइस गोटे हूँ कौन तुम इनपुट डिवाइस आउ गोटे तुम कौन आउटपुट डिवाइस है। इनपुट आउटपुट डिवाइस ना आमर काम बेसिकली होता है इनपुट डिवाइस आउ गोटे कौन था आमर एंड आउटपुट डिवाइस। तो इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस जो रहा ये देख जदि आम देखा ये कहला नॉट किए नुह स्कैनर गोटे इनपुट डिवाइस बुझिपाल माउस भी इनपुट डिवाइस कीबोर्ड भी इनपुट डिवाइस किंतु प्रिंटर कथा यदि कहवा प्रिंटर गोटे इनपुट डिवाइस नुह। तो आम राइट आंसर हो कौन प्रिंटर हो करेक्ट आंसर। प्रिंटर हो तुम करेक्ट आंसर है। तो इनपुट डिवाइस कौन एक्चुअली है। इनपुट डिवाइस कौन सपोज एटा आमर कंप्यूटर रहा कंप्यूटर को किए डाटा प्रोवाइड करता है ना इनपुट डाटा प्रोवाइड करता है। इनपुट डिवाइस कंप्यूटर को डाटा प्रोवाइड करता है जमीती कि मुझे स्कैनर हो माउस हो तुम कीबोर्ड हो ये सब कौन कि इनपुट डिवाइस। कहीं स्कैनर माउस स्कैनर जितने आम स्कैन करती आम कंप्यूटर गोटे पिक्चर देखा जाए माउस रे कौन कि आम किसी भी क्लिक करती तो सेटा आम माउस आम राइट क्लिक करती लेफ्ट क्लिक करती करती। कीबोर्ड रे कौन आम कीबोर्ड रे किसी भी जिनस को आम कौन कले जो एंटर करती से आमको कंप्यूटर स्क्रीन देखा जाए बुझिपाल। तो ये आम कहीपर कौन ना आमर प्रिंटर होची करेक्ट आंसर। प्रिंटर टा ताले कौन प्रिंटर गोटे आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर होची कौन गोटे आउटपुट डिवाइस जी कौन करता है ना ये होची कौन सब फिजिकल कॉपी प्रोवाइड करता है। कौन फिजिकल कॉपी प्रोवाइड करता है डिजिटल इनफॉरमेशन पाई मन रखु डिजिटल इनफॉरमेशन पाई ये सब कौन ना फिजिकल कॉपी प्रोवाइड करता है। तो राइट आंसर आमर कौन होटी ना प्रिंटर है। बुझा नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ राम। वेरी इजी क्वेश्चन राम रो फुल फॉर्म कौन देख राम रो फुल फॉर्म तो आम जानी से तुम रैंडम एक्सेस मेमोरी छोट छोट पिला जहाँ भी पचारे कहीदेव देखो राम हूँ रैंडम एक्सेस मेमोरी किंतु एटा को आउ को मेमोरी कहती ना एटा क्वेश्चन आसे एटा को आम भोलाटाइल मेमोरी भी कहती। कौन भोलाटाइल भोलाटाइल मेमोरी भी आम कहती ओके जानी पार तो भोलाटाइल मेमोरी याकू आम कौन पाई यूज करना याकू आम यूज करता कौन डाटा को स्टोर करने है कहीं ना टेम्पोराली बेसीस रे डाटा को एक आम स्टोर कर कंप्यूटर रनिंग पोजिशन न थाए जो रनिंग पोजिशन न थाए राम आम कौन करना टेम्पोराली भाव में डाटा स्टोर करें भोलाटाइल मेमोरी भी कहूँ जिते बड़ा आम कंप्यूटर कौन कि टर्न ऑफ हो जाए कंप्यूटर बंद हो जाए से तो राम जो था राम रे जो डाटा आम रखता सी केवे भी लॉस्ट हुए ना है क्लीयर एवं नेक्स्ट तापर देखो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर आम जानते सॉफ्टवेयर कथा कहबा आम बेसिकली दीटा सॉफ्टवेयर कथा आम समस्त पढ़ी था गोटे हूँ कौन सिस्टम सॉफ्टवेयर आउट आमर हूँ कौन एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर है सिस्टम आ एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर कथा आम बेसिकली पढ़ी था ये आम जमी देखा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो एंटीवायरस हो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम हो फोटोशॉप तो या भर किए तो सिस्टम सॉफ्टवेयर हूँ कौन तुम विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम हूँ कौन सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन ना सिस्टम सॉफ्टवेयर काम कौन है ये कौन करना तुम आम जो कंप्यूटर रे जी रहा कौन हार्डवेयर बाहर रहा सॉफ्टवेयर भीतर रहा या कौन करना मैनेज करें कौन कर मैनेज करें तो ये सब माने जी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को मैनेज करता है हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम जो रहा ऑपरेटिंग सिस्टम जमी कौन जमी तुम विंडो हो तापर तुम लिनक्स हो आउ तुम मैकोस ये सब कौन करता है ना तुम यो कैटेगरी सब आसी था ऑपरेटिंग सिस्टम है आउ जो रहा तुम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो एंटीवायरस फोटोशॉप ये सब एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर मन रख ये सब तुम कौन एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर क्लियर एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर नेक्स्ट क्वेश्चन कहला व्हिच शॉर्टकट की इज यूज्ड टू कॉपी टेक्स्ट इन द विंडो को शॉर्टकट की आम यूज करके विंडो रे आम कौन करथाउ ना कॉपी करी थाउ देख तुम जानिथिबो गोटे गोटे आम जानछनी कंट्रोल भी रो काम कौन के कहबे कंट्रोल भी होछ कोन आम जानछनी पेस्ट कंट्रोल भी कौन काम करे ना पेस्ट काम करे कंट्रोल सी कौन कॉपी तो ये राइट आंसर हो जइबो कंट्रोल सी कंट्रोल एक्स कौन काम करे ना कट कंट्रोल जेड कौन काम करे ना अंडू बुझे तो राइट आंसर इज कॉपी कंट्रोल बी नेक्स्ट व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ व्हाट डज यूआरएल स्टैंड्स देखो यूआरएल स्टैंड्स पर ये सब प्राय एग्जाम आसी था कारण ये कन्फ्यूजन पड़ जाए है जमीक कि यार हूँ राइट आंसर कौन हो जानते हो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर ऑप्शन नंबर सी है जो यार करेक्ट आंसर बुझे तो ये कौन गोटे आड्रेस आम जेकोसी इंटरनेट जेकोसी गोटे रिसोर्सेस आम ये सर्च करताऊँ आड्रेस भाव में नहीं था तुम जमीक आम कहीपर कौन एस टी टी पी सपोज आम कि गोटे सर्च कले www.google.com है ये गोटे URL आम एग्जांपल नहीं पार नेक्स्ट क्वेश्चन देख व्हाट इज द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ द डेसिमल नंबर 10 जो डेसिमल नंबर रहा तार बाइनरी इक्विवेलेंट के पचार देख जो बड़ा आम कौन करूँ ना कन्वर्ट कर कौन जो आम कन्वर्ट कर डेसिमल नंबर को 10 टू बाइनरी से कौन आम कि जिनस जमीक आम कौन कि आम प्रथम कौन कि 10 को डिवाइड करती 2 रो आसीगला के 5 तो रिमाइंडर के 0 तो सेमती आम नेक्स्ट कौन कर हाँ 5 को एगेन डिवाइड करवा 2 रो रिमाइंडर के आमर क्वेश्चन तो 2 आस रिमाइंडर के 1 तो सेमती आम नेक्स्ट कौन कर डिवाइड को 2 रो फिर डिवाइड करवा 2 रो क्वेश्चन आसो आमर 1 रिमाइंडर के 0 तो नेक्स्ट सेमती आम डिवाइड 1 को करवा 2 रो क्वेश्चन तो 0 हो रिमाइंडर के 1 तो सही अनुसार आम एक नहीं कौन तो बाइनरी कौन जो जाए कौन बॉटम रु आम पढ़ती बाइनरीटा मन रखो बॉटम क्वेश्चन भी पलिया टॉप रु पढ़ती कि बॉटम रु पढ़ती तो कन्फ्यूजन हेनी 1 0 1 0 हो करेक्ट आंसर देख 1 0 1 0 को ऑप्शन अच्छी ना ऑप्शन नंबर ए रही कौन 1 0 1 0 तो ये हो तुम करेक्ट आंसर तब देख नेक्स्ट Which storage device has the fastest data access speed? को storage device टा आमे सबुठु अधिक डाटा स्पीड को एक्सेस करें सी हूँ सॉलिड स्टेट ड्राइव एसएसडी एसएसडी कौन कि यार किसी मूविंग पार्ट न था है यार कौन को था ना मूविंग पार्ट किसी न था जेहेतु यार मूविंग पार्ट किसी आम देखा मिले तो से ये बेसिकली कौन होता है ना ये फ्लैश मेमोरी यूज करता है कि मेमोरी ना फ्लैश मेमोरी यूज करता है जे कि अलाउ करता है हाँ ये डाटा स्पीड जो रहा फास्ट हम यदि आम कंपैरिजन करवा ट्रेडिशनल आम एचडीडी हो सीडी रम हो यूएसबी ड्राइव हो तार कंपैरिजन कले आमर हूँ सॉलिड स्टेट ड्राइवटा आमर कौन कि अधिक स्पीड दे था व्हाट इज द पर्पस ऑफ एन आईपी एड्रेस रो पर्पस कौन कौन आईपी एड्रेस रो पर्पस देख आईपी आम जानते ये हूँ कौन इंटरनेट प्रोटोकॉल गोटे हूँ कौन यूनिक आइडेंटिफायर जी कि कौन तुम करता है ना जो जोटा माने तुम गोटे नेटवर्क रहा ताकू कौन कि कम्युनिकेट करी था जतिक भी नेटवर्क अच्छी भर कौन कि कम्युनिकेट करी था तो से राइट आंसर कौन है ऑप्शन नंबर बी टू यूनिकली आइडेंटिफाई ए डिवाइस ऑन ए नेटवर्क गोटे नेटवर्क रो डिवाइस को आम कौन कि इजिली ये आइडेंटिफाई कर तो राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर बी एवं नेक्स्ट व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ ए वेब ब्राउज़र रो मेन फंक्शन कौन देख वेब ब्राउज़र जमी तुम नहीं पार एग्जाम्पल हो आम क्रोम हो तापर तुम जमी मोजिला फेरक्स हो बा तुम कौन सफारी हो ये सब गोटे गोटे कौन वेब ब्राउज़र जो थे आसेस कर डिस्प्ले आम वर्ल्ड जो तुम रहा कौन वर्ल्ड वाइड वेब रू आम कौन कि कंटेंट रिसीव कर राइट आंसर हो कौन ऑप्शन नंबर बी टू एक्सेस एंड डिस्प्ले वेब पेज है ये डाटा भी रिट्राइव करता है भी वेब सर्वर रू आमको तार जो प्रेजेंट जो यूजर रहिले यूजर को कौन ये दे था इनफॉरमेशन ना देखा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम किए लिनक्स हूँ कौन तुम ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम कहीं ना यार गोटे सोर्स कोड था जे कि फ्रीली अवेलेबल होता है यार सोर्स कोड था फ्रीली अवेलेबल था तो से आम या कौन कहू ना ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर बोली कही था जे कि एथिरे कौन कि जी भी चाहिए ताको यूज कर मॉडिफाई भी कर यूज मॉडिफाई डिस्ट्रीब्यूट भी कर जी ना सी है आई जो तुम रहा जो कौन विंडोज हो तो ये हूँ कौन गोटे गोटे तुम ना ये हूँ प्रोप्राइटर कहार प्रोप्राइटर ना ऑपरेटिंग सिस्टम रो प्रोप्राइटर बट ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम किए तुम लिनक्स बुझा नेक्स्ट व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द कंट्रोल यूनिट इन ए कंप्यूटर कंट्रोल यूनिट जो हम कंप्यूटर अच्छी तार फंक्शन कौन देख आम जानी सीपीयू रो गोटे हूँ कौन सीयू जो रहा ये हूँ कौन कंपोनेंट कहार कंपोनेंट ना सीपीयू रो है जे कि कौन करता है ना डायरेक्ट करता है कोऑर्डिनेट करता है गोटे कंप्यूटर जतिक भी ऑपरेशन होमती से डाटा को फैक्ट्स करता है डिकोड करता है इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है तो सही अनुसार ऑप्शन नंबर सी है जो डायरेक्ट ऑपरेशन विदिन द सीपीयू है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल इज यूज्ड फॉर ईमेल को प्रोटोकॉल आम ईमेल यूज करूँ जानते तुम से कौन एसएमटीपी हूँ कौन जमी सिंपल मेल जान लिखिद सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल जे कि आम यूज करते कौन ईमेल सेंड करने यूज कर दो जमीती कि तुम यार अदर रिलेटेड भी अच्छी आईएमएपी अच्छी एंड तुम गोटे अच्छी पॉप 3 अच्छी भी यार पॉप 3 ये भी कौन कि हेल्प करता है ईमेल रिसीव कर किंतु तुम जो एफटीपी रहा एफटीपी ये ऑप्शन नंबर 1 अच्छी हूँ कौन फाइल ट्रांसफर पर यूज करता हूँ अब एसटीटीपी जानते आम कौन वेब एक्सेस डीएनएस कौन हो ना तुम जानते डोमेन नेम रिजोल्यूशन ये है डोमेन नेम रिजोल्यूशन हो व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डाटा इन कंप्यूटर स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डाटा कंप्यूटर किए आम जानते से हूँ कौन बीट है बीट हूँ कौन ना बाइनरी डिजिट जो आम कहूँ बाइनरी डिजिट ये हूँ सबुठ स्मॉलेस्ट यूनिट डाटा कंप्यूटर रे जे कि यार जो बाइनरी वैल्यू आइदर तुम कौन होता है जीरो होता है नॉन 0 to और 1 है माने 8 बिट्स जदि मिसी होला तमर कोन की गुटे बाइट से हे जाय ए बाइट हे जाय हला. Which of the following is not a programming language? की एथिरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नु है. देखो पाइथन हो, जावा हो, HTML हो, ये सब गुटे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. किंतु जो तम जो स्ट्रक्चर कोरी लैंग्वेज जो रोचे माय स्ट्रक्चर कोरी लैंग्वेज ये तमरो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नो हो है ना. आ तमर जेमिति तमरा जावा प्रोग्राम HTML जो रहला मन रखतु HTML भी एटा होज कोन तमरा मार्कअप लैंग्वेज है ना. ये जो MySQL जो रहला ये होज कोन तमरा डेटाबेस है ना. डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम या में कोन की स्टोरिंग आउ जतला हमें डाटा को मैनेज करंदी तो एटा को हमें यूज करिथाऊ. Which type of memory is used to store the BIOS? BIOS को type of memory का मैं करता नहीं. देखो BIOS तुम जानते हो basic input output system. इटा रामे कौन कि RAM use करता हूँ. ये हो जी कौन RAM तुम्हारी read only memory ये ठीरे अमें ताको store करके रखी था हूँ. कहीं ना ये हो जी कौन था RAM हो जी कौन था non volatile जिम्मे RAM हो जी volatile ये ला ये कौन non volatile है ला. आओ ये कोन तमको अवेलेबल हबो जते बले तमे कंप्यूटर टर्न ऑफ काम करथो कंप्यूटर बंद हो गेले भी ये कोन के अवेलेबल तमको रहउथो. तापर देखो व्हाट इज द पर्पस ऑफ फायरवॉल. फायरवॉल ला कोन पर्पस हो. फायरवॉल होची कोन फायरवॉल उठे जे की उठे बैरियर भलिया काम करे हैला. एक्ट एज बैरियर कहा भीतर ये काम करता जिम तम ट्रस्टेड इंटरनल नेटवर्क हो बा अनट्रस्टेड उठे एक्सटर्नल नेटवर्क हो जिमिति इंटरनेट भलिया ये मॉनिटर करता आउ तमर कंट्रोल करता कारण इनकमिंग बा आउटगोइंग जति की ट्रैफिक बेस्ड सिक्योरिटी रूल रहउची तो ताकू ये कोन करता ना हेल्प करता. सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट अनऑथराइज्ड एक्सेस. व्हिच डिवाइस इज यूज्ड टू कन्वर्ट एनालॉग सिग्नल इनटू डिजिटल सिग्नल. ला को डिवाइस हम यूज करता हम कोन ना कन्वर्ट करिया पय एनालॉग सिग्नल टू डिजिटल सिग्नल को डिवाइस कोइ परबो से डिवाइस होज ना होज कोन त मोडेम हैला. मोडेम हेजबो करेक्ट आंसर. मोडेम आमे यूज करी थाम. तापर देखो मोडेम होज कोन ये होची तमरो मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर शॉर्ट जो रोइला मोडेम रे ये कन्वर्ट करता एनालॉग सिग्नल लो तमरो जेमिति कि उटा फोन लाइन हो बा कि बोल हो त डिजिटल सिग्नल ले कंप्यूटर प्रोसेस करी थाए बा हां कंप्यूटर तो प्रोसेस करता त से त केबल भी कनेक्ट करी थाए. तापर देखो व्हिच की कॉम्बिनेशन इज यूज्ड टू परमानेंटली डिलीट अ फाइल इन विंडो. तो हमें परमानेंटली गुटे फाइल को डिलीट करथानी विंडो रे तो सेतले हमें कोन यूज कर. देखो विंडो रे हमें कोन जेतले शिफ्ट प्लस डिलीट हमें मारिथाऊ ये फाइल परमानेंटली डिलीट होइता माने रिसाइकल पिन ने भी और न थाए हैला. और रेगुलर डिलीट तो जोडा हमें करंदी से रिसाइकल पिन को पळेइथाए. तापर देखो लास्ट क्वेश्चन व्हाट डज एचटीटीपी स्टैंड्स फॉर इन ए वेब एड्रेस. वेब एड्रेस रे हम जानछन ये होची कोन तमरा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल. ये होची फाउंडेशन डाटा कम्युनिकेशन जे कि वर्ल्ड वाइड वेब रे हम यूज करथाऊ. ये तुमको हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट रे डाटा ट्रांसफर करता है एचटीएमएल. ठीक है तो ये थला आज रा क्लास. नेक्स्ट क्लास रे मैं आउ किछ कंप्यूटर आनिबो. वीडियो केमति लागला हम कमेंट बॉक्स रे जणाइबो. थैंक यू.